दोस्तों बहुत सारे बाइक ऐसे हैं जो हीरो कंपनी की होती है, ये जो साइड लेड स्पूट्रेस होता है इसके वजह से यहाँ का ये सस्पेंशन जो होता है ये कट जाता है। तो ये कारण क्या होता है दोस्तों, ये कटने का वजह क्या होता है, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम लेडीज़ को या किसी भी ऐसे जेंट्स को बैठाते हैं तो वो क्या करता है कि डायरेक्ट इस पर पैर रख देते हैं, इस पर पैर रख के वो सीट पर बैठते हैं और इनके वजह से बैठने की वजह से इस पर ज़्यादा वज़न पड़ जाती है, इसके ऊपर वज़न ज़्यादा पड़ जाती है और ये क्या होता है धीरे धीरे ये अंदर की ओर बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है जब भी हम इसके ऊपर वज़न डालेंगे, ताकत लगाएंगे तो ये अंदर की ओर मूव करेगी और इन्हीं की वजह से ये अंदर पहुंच जाता है। इसका जो बोल्ट होता है यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो 12 नंबर का बोल्ट है और अंदर नट लगा हुआ होता है, तो ये थोड़ी बहुत अंदर की ओर चली जाती है। और ये जब शॉकर जब जंप करता है सस्पेंशन ऊपर नीचे होता है तो ये सस्पेंशन ये हिस्सा इस बोल्ट के नट से टकराता है और ये कट जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारे कस्टमर ध्यान नहीं देते हैं इसके ऊपर कि आखिर बात क्या है, ये जो कट जाती है। एक तो कस्टमर को पता ही नहीं होता कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही या नहीं आ रही है, तो इस तरीके से कस्टमर को पता ही नहीं होता है। और जब गाड़ी चलाते हैं तो जब ये शॉकर जंप होती है तो पीछे से आवाज़ आता है, थोड़ा सटने जैसे आवाज़ आती है और चों-चों जैसे भी आवाज़ आती है, इस तरह की कंप्लेन आती है, उन्हें पता नहीं रहता है। तो हम लोग ज़्यादातर जब भी हम ध्यान देते हैं, जब भी कुछ काम करते हैं, चैट करते हैं, तो इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गौर करते हैं। ख़ास करके ये मेरा सोच है, इसके ऊपर हम बहुत ही ज़्यादा गौर करते हैं क्योंकि ये जो है दोस्तों, अब ये सटने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो इसमें हम करना क्या होता है हमें, तो बस एक्स्ट्रा हम इसमें कुछ दिमाग नहीं लगा पाएंगे, जाहिर सी बात है। बस इस तरह का अगर कंप्लेन आती है तो बार बार आपको क्या करना होगा, एक पैर यहाँ पे रखना है और दूसरा हाथ यहाँ पे रखना है और इसको इस तरीके से खींच देना है, बस बाहर की ओर आपको खींच देना है। तो देख सकते हैं कि ये जो है मैंने खींचा तो ये बाहर की ओर आ गई। बस आपको ध्यान देना होगा, आपकी जो बाइक है आपको ध्यान ये देना होगा, जब भी कोई लेडीज़ या जेंट्स इस तरीके से बैठता है इसके ऊपर पैर रख के, तो उनसे ये कहें कि इसके ऊपर पैर ना रख के डायरेक्ट इसके ऊपर पैर रखें। इसके ऊपर अगर रखते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं करते हैं, यहाँ पे रखने की वजह से ये लचक मारता है और वो ऑटोमेटिक अंदर की ओर जाती है और फिर ये काट देता है। और अब देखिए बहुत सारे भाई क्या करते हैं, ये जब कट जाती है, बहुत सारे आधा हिस्सा कट जाता है फिर भी पता नहीं चलता उन्हें, और चलो पता भी चल जाता है तो वो वेल्डिंग किस तरीके से कराते हैं। तो वेल्डिंग जो कराना होगा आपको, इसमें गैस वेल्डिंग कराएं, इतना कराएं कि ये इससे ओवर हिस्सा बाहर ना आए, ये जो चीज़ है ये इतना ही हमेशा भरा हुआ रहे। यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर पत्ती लगाते हैं, इसके ऊपर अगर हम पत्ती अगर लगाएंगे तो ये फिर इससे टकराएगी और सोकर जंप नहीं कर पाएगी। तो ये चीज़ें ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, इसके अगर ध्यान नहीं देते हैं तो ये बहुत ही पूरा कट जाता है और बाद में परेशानी होती है।